हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व टेस्ट नंबर 3 फ्रॉम द ब्रिज कोर्स। इट्स फॉर स्टैंडर्ड 6th सब्जेक्ट इंग्लिश एंड इट्स फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन फर्स्ट। ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन दिया है देखते हैं। पहला वाला, रीड द फॉलोइंग अनाउंसमेंट। एक अनाउंसमेंट दी है और उसको हमें रीड करना है, पढ़ना है। नाउ लेट्स रीड इट। A cycle key with a blue key chain has been found on the ground. Whoever has lost it can contact the clerk, Mrs. Nina Pinto, and see if it belongs to him or her. तो देखो, यहाँ पे एक साइकिल की की मिली है और क्या अनाउंसमेंट हुई है। तो उस साइकिल की key कैसी है, उसको ब्लू की चेन है, ब्लू कलर की चेन है और कहाँ पे मिली, ग्राउंड पे मिली हो, शायद क्लर्क को मिली होंगी, इसीलिए वहाँ पे क्या दिया है, किसको कांटेक्ट करने का बोला है, मिसेस नीना पिंटो। तो इसीलिए ये अनाउंसमेंट किसने की होगी, अभी तो ये अनाउंसमेंट हो गई स्कूल में क्योंकि क्लर्क का नाम आया है और हिम और हर, अभी एकाध बच्चा होगा जिसने साइकिल लाई होगी वहाँ पे, नहीं तो लड़की होगी, तो उसकी क्या गुम हो गई वहाँ पे, की साइकिल की चावी। ओके, तो देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, गेस हु इज मेकिंग दिस अनाउंसमेंट एंड वेयर। तो ये अनाउंसमेंट कहाँ पे हो रही है और उसके साथ साथ किसने की है। तो यहाँ पे सिर्फ क्लर्क का नाम आया है, इसीलिए मैंने आंसर में आपको क्लर्क दिया है। और कहाँ पे हो गई ये अनाउंसमेंट, कहाँ पे हो रही है, तो वो है स्कूल। तो इस तरह से मैंने उसका आंसर दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर दिया है, क्लर्क इज मेकिंग दिस अनाउंसमेंट एंड इन स्कूल। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आ गए। आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन था बी, व्हाट इज द मैसेज इन द अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट में से हमें कौन सा मैसेज मिल रहा है। आंसर, अ साइकिल की विथ अ ब्लू की चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन द ग्राउंड, सो हूएवर हैज़ लॉस्ट इट कैन कॉन्टैक्ट मिसेस नीना पिंटो। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन सी, रीड दिस अनाउंसमेंट अलाउड। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो अनाउंसमेंट है उसको अलाउड मतलब लाउडली बोलना है, जोर से बोलना है, रीड करना है। ओके, तो मैंने पहले आपको ये सब रीडिंग करके बताया, इसलिए बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहते हो तो ये पढ़ सकते हो या लिख भी सकते हो। ये ओरल के लिए एक क्वेश्चन था आपको। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर रिटन, रिटन टेस्ट क्वेश्चन बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, उसमें से रीड द पैसेज एंड गेज द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। पैसेज कहाँ पे मिलेगा हमें, हमारा जो 5th स्टैंडर्ड का बाल भारती का बुक है इंग्लिश का, उसमें पेज नंबर 16 आपको देखना है। तो पेज नंबर 16 आपको रीड करना है, वहाँ पे आपको ये दोनों वर्ड्स मिल जाएंगे। स्ट्रैटेजी, ए फर्स्ट वर्ड है स्ट्रैटेजी और सेकंड बी रेजिस्टेंस, ये दो वर्ड्स वहाँ पे पेज नंबर 16 पे मिलेंगे। तो उनका मीनिंग देखते, तो देखो स्ट्रैटेजी का मीनिंग है अ सिस्टमेटिक प्लान ऑफ एक्शन और रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है फाइटिंग बैक अगेंस्ट समबडी और समथिंग। तो इस तरह से ही आपने लिखना है। 2 मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन था। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड आउट एंड राइट 2 noun phrases एंड 2 adverb phrases फ्रॉम द पैसेज। अभी उसी पैसेज में से हमें 2 noun phrases ढूंढने हैं और 2 adverb phrases ढूंढने हैं, वो भी 2 मार्क्स के लिए है। ओके, नाउ लेट अस आंसर। तो आंसर में मैंने 2 noun phrases दिए हैं। फर्स्ट है द इंडियन टीम एंड सेकंड है द प्रिंस ऑफ भोपाल। आफ्टर दैट एडवर्ब फ्रेजेस देखते हैं। फर्स्ट है रेन हेवीली और सेकंड है एग्रेसिव प्ले। तो ए भी आप अच्छे से लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है। नाउ लेट्स रीड इट। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फेबल साइलेंटली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फेबल मीन्स शॉर्ट स्टोरी। यहाँ पे एक स्टोरी दी है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट लेट्स रीड द स्टोरी, बेलिंग द कैट। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टोरी, बेलिंग द कैट। Long ago, a group of mice lived in the same house with a very watchful cat. The mice were constantly in danger. One day, they held a meeting to discuss what to do about the cat. Many mice talked about the problem, but none had any ideas about what to do.
Finally, one of the smallest mice spoke up. We all agree that the cat can sneak up on us too easily. If we could hear her coming, we would have time to run to safety. I think we should put a bell around the cat's neck. Then we will always know when she is near. The other mice cheered. They congratulated the smallest mouse on his marvelous idea. Finally, their problem was solved. Then the oldest mouse spoke, "Belling the cat is indeed a grand idea. But who will do it?" Not one mouse spoke. तो देखो, एक cat है, वो चूहों के ऊपर अच्छे से ध्यान लगा के बैठती थी और क्या करती थी, उनको खा लेती थी। इसलिए वो चूहे सब डरे हुए थे, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलवाई और उसमें क्या किया उन्होंने, तो ये कैट का कैसे करना है, मतलब उसको कैसे हराना है, उससे कैसे बचना है हमें, तो इस बारे में वो मीटिंग थी। तो उन्होंने क्या किया, सब ने एक दूसरे से बात की, कैट कैसे करती है, कैसे ऑब्जर्व करती है, कहाँ पे बैठती है, कहाँ पे उठती है, ऐसे सब बातें, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं बोली कि हम कैसे उससे बच सकते हैं। ओके, लेकिन उसमें से एक छोटा सा माउस था, उसने ये बात बोली कि अगर हम उस कैट को बेल बांध दे, उसके नेक को बेल बांध दे, तो क्या होगा, हम उस बेल का आवाज़ सुन सकेंगे और जल्दी से अपने अपने घरों में जा सकेंगे, उससे बच सकेंगे। तो उसमें सब में एक जो माउस था वो जैसे ओल्ड था, उसने बोला, आपकी आइडिया तो बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन जो कैट है उसको वो बेल बांधेगा कौन? तो इस तरह से वो क्वेश्चन वहाँ पे आया है। तो उस कैट को, मतलब उस बिल्ली को बेल कौन बांधेगा, लेकिन कोई भी उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा है। नो वन माउस स्पोक, एक भी माउस ने उसके ऊपर आंसर नहीं दिया। तो इस तरह से आइडियाज़ तो बहुत होती है, हर एक के पास होती है, लेकिन उस आइडिया के तौर पे हमें उस तरह की एक्शन करना भी ज़रूरी होते हैं। ओके, तो देखते हैं स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस फेबल, ये जो शॉर्ट स्टोरी है उसका मॉरल क्या है। तो हमें ऑप्शंस भी दिए ब्रैकेट में, देखो, कैट्स आर स्नीकी, सेकंड ऑप्शन है प्रपोजिंग अ प्लान इज ईजियर दैन पुटिंग इट इंटू एक्शन। तो प्लान प्रपोज करना, प्लान तैयार करना इजी है, उसको एक्शन में लाने से ज़्यादा। और थर्ड है वार्निंग बेल्स आर गुड प्रोटेक्शन फॉर माइस, और जो वार्निंग बेल्स है वो माइस के लिए गुड प्रोटेक्शन है। अगर हमने कैट को वार्निंग बेल बांध दी उसके नेक को, तो माइस के लिए बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है। तो उसमें से जो मॉरल है वो है Proposing a plan is easier than putting it into action. Now let us see answer. Answer: Proposing a plan is easier than putting it into action. After that, next question: What plan did the smallest mice suggest to other mice? तो वो smallest जो mice था उसने कौन सा plan suggest किया? Answer: The smallest mice suggested to put a bell around the cat's neck. To other mice. And after that, next question, what do you think the mice did next? तो उन चूहों के बारे में, मतलब उन चूहों ने आगे क्या किया होगा, तो इसके बारे में आपका सोच विचार यहाँ पे रखना है, आप क्या सोचते हो ये बताना है। आंसर है आई थिंक नो वन वॉज रेडी टू पुट अ बेल अराउंड द कैट्स नेक। ओके, D. Its last question. Imagine you are one of the mice. Propose another solution. अगर आप उन चूहों में से एक चूहे हो तो आप क्या solution दोगे इसके ऊपर? Okay. Now let us see answer. Answer. If I am one of the mice, I will suggest that make a particular signal of sound if we see a cat. Then all will be alert. तो इस तरह से मैंने सब questions के answer दे दिए आपको, आपने अच्छे से लिखना है। Now question number 4. Click here to listen to some words and write any 4 words you heard. तो ये जो हमें QR code दिया है, देखो वहाँ पे
ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है, उसको क्यूआर कोड बोलते हैं, तो उसके ऊपर क्लिक करो, आपको एक वीडियो वहाँ पे दिखाई देंगी, उसमें से जो जो वर्ड्स है वो सुनाई देंगे, तो 4 वर्ड्स ओनली यू हैव टू राइट देयर। ओके नाउ लेट अस आंसर। तो वहाँ पे 9-10 वर्ड्स थे, उसमें से मैंने 6 वर्ड्स आपको दिए, एक्चुअली हमें 4 वर्ड्स लिखने का बोला है। ओके, फर्स्ट गुलिवर, सेकंड जायंट, थर्ड सी श्योर, फोर्थ केयरफुली, फिफ्थ शेमफुली, सिक्स्थ क्विकली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्लिक हियर टू लिसन टू अ पैसेज एंड राइट 4 वर्ड्स रिलेटेड टू किचन। ये भी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी जो QR कोड दिया गया है वहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद हमें कुछ वर्ड्स वहाँ पे सुनाई देंगे, तो किचन से जो रिलेटेड वर्ड्स है वो सिर्फ वही वर्ड्स हमें यहाँ पे लिखना है। ओके नाउ लेट अस आंसर। उसमें से जो इजी वर्ड्स है उतने मैंने यहाँ पे दे दिए। ओके, फर्स्ट है मिक्सर, सेकंड ओवन, थर्ड फ्रिज, फोर्थ वाटर प्यूरिफायर एंड फिफ्थ सिंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, तो 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है। फर्स्ट है ए, नाउ लेट्स रीड इट। ऑफिशियल लेटर्स आर पार्ट ऑफ, और हमें वहाँ पे ऑप्शंस भी दिए, जैसे इनफॉर्मल, फॉर्मल, फ्रेंडली, कैजुअल, तो इन सब के आंसर मैंने यहाँ पे दे दिए। नाउ लेटेस्ट सी आंसर। तो देखो, जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, तो उसका आंसर है फॉर्मल। आफ्टर दैट बी, लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर पार्ट ऑफ, तो उसका आंसर है इनफॉर्मल। मैंने थोड़ा आंसर ऊपर लिखा है, वहाँ पे देखना है अच्छे से, तो उसका आंसर है इनफॉर्मल। जो हम रिलेटिव्स के लिए लिखते हैं, फ्रेंड्स के लिए लिखते हैं, उन लेटर्स को हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। आफ्टर दैट सी, डियर सोहम, रिस्पेक्टेड सर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। हाँ, जब हम लेटर शुरू करते हैं तो वहाँ पे शुरुआत में एड्रेस लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, डियर सोहम, डियर फ्रेंड, ऐसे कुछ लिखते हैं, तो वो क्या होता है, उस लेटर का सैल्यूटेशन होता है, इसीलिए आंसर है सैल्यूटेशन। डियर सोहम, रिस्पेक्टेड सर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सैल्यूटेशन इन लेटर राइटिंग। आफ्टर दैट लास्ट वन, डी, कैजुअल लैंग्वेज इज यूज इन राइटिंग इनफॉर्मल लेटर। तो कैजुअल लैंग्वेज का यूज इनफॉर्मल लेटर में होता है। ओके, तो ये आंसर भी आपने अच्छे से लिख लेना है। इस तरह से मैंने आपको टेस्ट नंबर 3 के ऑल आंसर्स दे दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो चलो जल्दी जल्दी, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ वो शेयर करो, और कमेंट्स भी। ओके, थैंक यू।